और मूविंग वर्कआउट हो गया, उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन हो गया। डेफिनेटली बहुत ही मतलब सब लोग अभी हैप्पी है। तो अभी ये जो सीजन आ रहा है विंटर सीजन है ना, तो उसमें क्या होता है, हमें थर्स्ट बहुत कम लगती है। थर्स्ट बहुत कम लगती है मतलब हमें क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ये जो बोलते हैं थर्स्ट, या फिर पानी पीने की जो इच्छा रहती है हमारी, वो बिल्कुल भी कम हो जाती है। और वो कम होने की वजह से क्या होता है, हम पानी ज्यादा नहीं पीते हैं। तो पानी नहीं पीते हैं तो इस दरमियान क्या होता है, ड्राई स्किन हो जाता है हमारा। मतलब जो विंटर सीजन में आपने अपने स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, तो उस दरमियान अगर उसका वाटर कंटेंट कम हो गया है, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या हो सकता है, तो हमें इचिंग हो सकता है स्किन में, ड्राइनेस आके, और फिर स्किन के अलग अलग इन्फेक्शंस जो रहते हैं, जिसे हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं या फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, या जिसे हम एक्जिमा बोलते हैं, तो ड्राई स्किन की वजह से क्या होता है, इचिंग होता है। और इचिंग करने से क्या होता है, सेकेंडरी नेल का इन्फेक्शन बैठ जाता है, और जिसे हम डर्माटाइटिस बोलते हैं, इस तरीके का हमें बीमारी हो सकती है। दूसरा एक चीज है कि ये दरमियान क्या होता है कि बालों में डैंड्रफ हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हीट मतलब समर सीजन में अच्छा रहता है अपना स्किन, फिर जो मतलब डैम्प वेदर रहता है, ये रेनी सीजन रहता है, उसमें अपना स्किन अच्छा रहता है, लेकिन जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है ना, तो डैंड्रफ होना शुरू होता है। तो किसी किसी को बालों में भी होता है, किसी किसी को ये जो आईब्रोज शायद नेट का कुछ तो प्रॉब्लम है और इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है क्या? ठीक है, मैं सर के रूम में जाके बैठती हूँ। यस मैम, यस यस। सॉरी होगा। तो हमारा जो है अभी शाम को जो होने वाला है, आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा फैमिली डे जो है वो मतलब शाम को जो है वो वारकरी वेशभूषा है, तो जो भी है जुड़ना है हमें शाम को 6 बजे। यस।